हेलो फ्रेंड्स, उन्नति कॉम्पिटिशन्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट चेक ज़रूर करिएगा। ये चैनल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होने वाला है अगर आप तैयारी कर रहे हैं SSC या फिर किसी बैंकिंग एग्ज़ाम की। लेकिन इस वीडियो में मैं आज बात कर रहा हूँ UPSC एग्ज़ाम की, जो एग्ज़ाम होने वाला था 21 मई को, लेकिन वो किसी रीज़न से पोस्टपोन हो गया है। अब एग्ज़ाम होगा जुलाई में, किस डेट में होगा इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। ये है पार्ट 2 UPPSC का। UPPSC का पार्ट 1 इस चैनल पे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले इसे वॉच करिए, उसके बाद में आप पार्ट 1 को देखिएगा। अगर आपको दोनों ही पार्ट अच्छे से आते थे पहले से ही, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं, वो आप डिसाइड करिए। क्योंकि इस तरह के पार्ट UPPSC के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं काफ़ी सारे पार्ट बना के आपके सामने लेके आऊँगा। एक सीरीज चलने वाली है टिल एग्ज़ाम तक। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, प्री एग्ज़ाम में जो आपका होने वाला है जुलाई में, उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, इसमें मैं बात करूंगा आपसे भौगोलिक संरचना अवलोकन की। ठीक है, भौगोलिक संरचना क्या है, इसका आकार क्या है, किस प्रकार का इसका आकार है, या फिर ग्लोब पर इसकी पोजिशन क्या है यूपी की। ठीक है, ग्लोब पर उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है उसके बारे में बात करूंगा, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। तो जहाँ पर आपको लगे कि हाँ यार, हमको पेन डाउन करना चाहिए, अच्छी बात है, ये बात मुझे नहीं आती थी, तो प्लीज़ उसको राइट डाउन करिएगा। राइट डाउन में प्लीज़ कंजूसी मत करिएगा। ठीक है, अपने नोट्स खुद बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो एग्ज़ाम जब भी आपका आने वाला होगा उससे कुछ दिन पहले आप उसको रिवाइज अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप केवल वीडियो वॉच करेंगे और सोचेंगे कि वीडियो को ऑफलाइन सेव कर लेता हूँ, एग्ज़ाम के टाइम पे डायरेक्ट वीडियो के माध्यम से मैं रिविजन कर लूँगा, रिवाइज कर लूँगा पूरे वीडियो को, तो शायद ऐसा करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका सिलेबस बहुत आपको वाइड लगेगा। शॉर्ट नोट्स बनाइए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए, और एग्ज़ाम में जाइए और मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आइए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट, पहली की। इसका आकार किस प्रकार का है वो हमसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का आकार किस प्रकार का है, सिंहवत मतलब शेर के समान, ठीक है, या फिर बोलेगा कमल के समान, जो कमल की शेप होती है उसके समान है, या फिर किसी देश का नाम दे देगा, उस देश के आकार से हमारा यूपी स्टेट मैच करता है, या फिर हमारे ही इंडिया का कोई राज्य दे देगा हमको, या फिर इस राज्य से हमसे जो यूपी स्टेट है मिलता जुलता है। तो आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद रखना है इसका आकार क्या लंबवत है, थोड़ा सा सिंहवत भी है, मतलब शेर के समान की इसकी क्या है शेप है। देखिए, मैं आपको इसमें आपको शेप भी दिखा देता हूँ, जैसे कि हम देखते हैं इस क्वेश्चन में कि इसका जो शेप है वो किस प्रकार की है। देखिए, यहाँ पे आप देखिए, इसका फेस आ गया, दो पैर आ गए, दो पैर आ गए, यहाँ पे सर सा हो गया, यहाँ पे हल्की सी छोटी सी पूंछ निकली हुई है, तो क्या हो गया, ये सिंहवत के समान इसका क्या लग रहा है, शेप लग रही है। अब बात करते हैं इसके पोजीशंस की, ग्लोब पर इसकी स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश की। 23 डिग्री 52 मिनट से 32 डिग्री 24 उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 2 5 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश ग्लोब पर स्थित है। ठीक है, इसकी पोजीशंस भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, तो आप प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। इसकी पोजीशंस क्या क्या है ग्लोब की स्थिति पर, 23 डिग्री से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और पूर्वी देशांतर में क्या है इसकी, 77 डिग्री से लेकर के 84 डिग्री तक। अब बात करते हैं हम लोग की अक्षांश या विस्तार इसका उत्तर से पश्चिम तक कितना है और पूर्व से पश्चिम तक कितना है। क्योंकि एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि एग्जाम में प्रीलिम्स का पूछा गया था पूर्व पश्चिम स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर। ठीक है, या ग्लोब पर उत्तर प्रदेश की पूर्व पश्चिम की स्थिति क्या है, उसमें आपको चार ऑप्शन देगा, 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री या फिर 9 डिग्री। ठीक है,
आपको याद रखना है, उत्तर दक्षिण की बात करें तो 6 डिग्री 32 मिनट, और बात करें पूर्व पश्चिम की तो 7 डिग्री से 33 मिनट। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई यूपी स्टेट की कितनी है, ठीक है, क्योंकि ये डेडिकेटेड वीडियो है यूपी की, तो कॉमन सी बात है कि मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। बार बार आपको मैं ये चीज़ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीएससी एग्जाम की या उत्तर प्रदेश का कोई अदर आप एग्जाम देते हैं उसकी, तो आज मैं वीडियो में बात करूंगा केवल यूपी की, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की जो टोटल लंबाई है उत्तर प्रदेश की वो है 650 किलोमीटर, और जो दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई है वो है 240 किलोमीटर, ठीक है। ये 240 किलोमीटर था, और यह है आपका हमारा 650 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इसके बारे में बात करी थी हमने पार्ट वन में कि इसका क्षेत्रफल कितना है, या फिर उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश किस वर्ष के बाद पड़ा, या फिर उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड नया राज्य बना कौन से वर्ष बना था, कितने कितने जिलों को काट करके एक नया राज्य उत्तराखंड बना, इसके बारे में हमने बात करी थी पार्ट वन में, तो इसलिए आप वो पार्ट देख लीजिएगा। अगर ये सभी क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान क्या है चौथा, सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का वो है खीरी, और कम जो है क्षेत्रफल वाला जिला वो है हापुड़। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले घटते क्रम में, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले घटते क्रम में है खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में हैं हापुड़, हापुड़ के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद भदोही, फिर है शामली। प्राकृतिक विभाजन गंगा का मैदान, भावर तराई और दक्षिण का पर्वत पठार। जो प्राकृतिक हमने उत्तर प्रदेश का विभाजन करा है किन किन भागों में करा है, गंगा का विभाजन या गंगा का मैदान, ठीक है, भावर तराई और दक्षिण का पर्वत पठार। प्रदेश के सबसे कम नम भूमि वाले जिले कौन से हैं, बागपत एवं हाथरस। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल, प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, ये परसेंटेज है 5.15%। प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि क्षेत्र वाला जिला में कौन सा है, जिले के बारे में बात करें तो जिला है सोनभद्र, सोनभद्र। प्रदेश के विभिन्न भागों की औसत वार्षिक वर्षा क्या है, तराई क्षेत्र 150 सेंटीमीटर होती है, पूर्वी मैदान क्षेत्र में 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है, मध्यवर्ती मैदान क्षेत्रों में 94 सेंटीमीटर, पश्चिम मैदान क्षेत्र में 84 सेंटीमीटर, दक्षिण पहाड़ी पठार क्षेत्र में 91 सेंटीमीटर और औसत 95 सेंटीमीटर यहाँ का रखा गया है। सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, ये क्वेश्चन सब याद रखिएगा। सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाला जिला हमसे पूछ रहा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सबसे अधिक की बात करें तो गोरखपुर, 184 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है, और बात करें सबसे कम वर्षा यहाँ पे होती है उस जिले का नाम क्या है, उस जिले का नाम है मथुरा, और वर्षा सेंटीमीटर में होती है जैसे कि आप सभी जानते होंगे, तो 54 सेंटीमीटर यहाँ पे सबसे कम वर्षा वाला जिला है, तो दोनों ही आपको याद रखने हैं, गोरखपुर सबसे अधिक, मथुरा सबसे कम। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है बच्चों, ठीक है, तैयारी करके जाइए, बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, डैम श्योर कि आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ में। जलवायु की बात करते हैं, देखिए जलवायु उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है, फिर भी धरातलीय विषमताओं और समुद्री तल से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाइयों होने के कारण यहाँ की जलवायु क्या होती है, विषमता इसमें मिलती है। 3 ऋतु कौन कौन सी होती है यूपी की, ग्रीष्म, वर्षा एवं शीत। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारक नदी कौन सी है, हरियाणा और यूपी के बीच में बहने वाली नदी जो होती है वो कौन सी है, वो है यमुना। प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिम जिला कौन सा है, देखिए बच्चों उत्तर प्रदेश में आपसे पूछ लेता है कि पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है, दक्षिण में कौन सा राज्य पड़ता है, उत्तर में कौन सा पड़ता है, इस प्रकार के राज्यों के नाम हमसे पूछ लेता है, ये हमने पार्ट वन में डिस्कस करा था। अगर आपको पहले से पता है तो प्लीज उस वीडियो को वॉच मत करिएगा, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करिए क्योंकि टाइम आपका बहुत कीमती है, समय काफी कम बचा हुआ है, सिलेबस बहुत लेंथी है,
अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ एक बार वहाँ से क्रॉस चेक कर लीजिए, या फिर आपको हल्का सा भी डाउट है तो उस वीडियो को वॉच करिए, 17 से 18 मिनट का वीडियो है, तो उसको वॉच करने में आपको कोई हर्ज नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रदेश का सबसे पूर्वी एवं पश्चिम जिला कौन सा है? बलिया और शामली। प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिण जिला कौन सा है? सहारनपुर तथा सोनभद्र। नेपाल से जुड़े 7 जिले, ठीक है, नेपाल से हमारा उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है, उससे जुड़े हुए 7 जिले हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्रमशः दिया गया है, क्रॉनिकल सही ऑर्डर में इसको रखा गया है, लेकिन आपको इन सब के नाम याद नहीं रखने हैं। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, तो मेंस में ही क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन प्रीलिम्स के बारे में अगर फोकस आप कर रहे हैं तो आपको पास बस केवल ये पूछेगा, उत्तर प्रदेश नेपाल से जुड़ा हुआ है, उसमें स्थित 7 जिले कौन कौन से हैं, या टोटल जिले कौन से हैं, 7, 8, 9, 10। 7 आपका राइट आंसर होगा, आपको 7 जिले राइट आंसर लगा के अपना आना है, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की नेपाल सीमा लंबाई कितनी है, या फिर नेपाल की सीमा से उत्तर प्रदेश का कितना किलोमीटर भाग लगा हुआ है, उसका एरिया कितना है? इसका है 538 किलोमीटर लंबाई की सीमा उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ टच करती है, स्पर्श करती है, याद रखिएगा 538 की बात कर रहा है, 538 किलोमीटर लगभग। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश से जुड़े राज्यों की संख्या कितनी है? 9 या 8 राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार, प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम बोलते हैं दिल्ली। बात कर रहा है राज्यों की, तो राज्य में आता है 8। अगर बोले कितने केंद्र शासित प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ टच करते हैं, एक है केवल, वो है दिल्ली, याद रखिएगा टोटल राज्य 9 काउंट होगा, लेकिन इसमें 8 राज्य हैं, दिल्ली क्या आता है? केंद्र शासित प्रदेश में आता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे बात करें राज्यों की संख्या 8, 9, 10, 11, तो आपको लगाना है 8, ठीक है। अगर केंद्र शासित प्रदेश ऐसा कोई हिंट उसने क्वेश्चन में दे रखा है आपका एग्जाम में, तो आपको लगाना है 9। उत्तराखंड से जुड़े 7 जिले क्रमशः पूर्व से पश्चिम की ओर कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड टच करता है, तो इसके साथ जो स्पर्श वाले जिले हैं उनके नाम क्या क्या है? टोटल 7 जिले हैं, नाम आप सामने देख रहे हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। पहले क्या था उत्तराखंड, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड जो राज्य है वो यूपी का ही एक भाग था, 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड का निर्माण हुआ, ठीक है, ये हुआ 2000 में, ठीक है। अब इसमें से अगर उसका एक नया राज्य बनाया गया उत्तराखंड, तो कॉमन सी बात है दोनों की सीमा आपस में मिलती होंगी, दोनों के जिले आपस में टच करते होंगे। बात कर रहा है केवल यूपी के कितने जिले उत्तराखंड के साथ टच है, पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा उसने दी है, तो ये है 7। बात करें हरियाणा में, हरियाणा में है 6 जो उत्तर से दक्षिण की ओर है। दिल्ली से जुड़े केवल 2 जिले हैं उत्तर प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की ओर, कौन कौन से? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, जिसको बोलते हैं जीबी नगर, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद हमारे दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, देखो मध्य प्रदेश में 11 जिले, मैक्सिमम जिले जो हैं वो 11 जिले जो मध्य प्रदेश से टच करते हैं, उनके नाम क्या है? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र। राजस्थान से जुड़े जिले केवल 2 जिले हैं। बिहार से जुड़े 7 जिले हैं जिनका नाम आप सामने देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़े जिले केवल सोनभद्र है। झारखंड की बात करें तो केवल सोनभद्र। सोनभद्र से जुड़े राज्यों की संख्या कितनी है? 4। सोनभद्र से कितने राज्य जुड़े हुए हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सोनभद्र से जुड़े राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर है 4। और सेकंड क्वेश्चन से आपका सहारनपुर से जुड़े राज्यों की संख्या कितनी है? 3। आप याद रखिएगा सोनभद्र बोले तो 4, सहारनपुर पूछे आपसे एग्जाम में तो इसकी संख्या कितनी है? 3। बाकी आपसे राज्यों के नाम नहीं पूछेगा, राज्यों के नाम आपसे पूछेगा मेंस में, लेकिन मेंस को भी आप तैयारी प्लीज बना के रखिएगा साथ साथ, अगर आपके प्रीलिम्स में मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो मेंस में प्लीज ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। सोनभद्र 4, सहारनपुर 3। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिम बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार और हरियाणा। उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिण बिंदु को स्पर्श करने वाले राज्य का नाम क्या है? दक्षिण की बात कर रहा है, दक्षिण में जो स्पर्श करता है वो करता है छत्तीसगढ़। प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिम बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। इसमें से देखिए
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो पूछा गया है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, पूरे के पूरे सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बेसिक क्वेश्चंस है। अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप यूपी का कोई भी फॉर्म भरते हैं, जो भी पोस्ट निकलने वाली होती है उत्तर प्रदेश के, तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपना एक नोटबुक बनाए जिसमें लिखिए आप उत्तर प्रदेश जीके या जीएस, ठीक है, बेसिक डिटेल आप लिख दीजिए उसमें। और इसका इसमें जो भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं उन सबको पेन डाउन करिए, और जो भी मैंने हाईलाइट करे हैं वो सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी थी अभी कुछ टाइम पहले कि एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश की नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है जो उत्तर प्रदेश के साथ टच होती है, तो इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई है 538, पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। प्रदेश से जुड़े राज्यों की संख्या कितनी है, 9 या फिर 8, 8 राज्य हैं, 9वां मतलब एक, अगर इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल बन जाएंगे 9, एक है केंद्र शासित प्रदेश। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है कुछ टाइम बाद कि ठीक है, जब जब आपकी तैयारी काफी अच्छी होती है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है या फिर कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये स्किल्स डेवलप होते हैं अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप एक दिन काफी जोश भरे उसमें पढ़ रहे हैं, कोई वीडियो वॉच कर लिया, मोटिवेशन किसी का लेक्चर सुन लिया, संदीप महेश्वरी, शिव खेड़ा या फिर कोई अदर किसी मोटिवेटर का हमने कोई लेक्चर सुन लिया, जोश भरे उसमें हमारे अंदर एनर्जी भर गई, बाद में हम लोग क्या हो गए, फुस हो गए। फुस बोले तो 3-4 दिन हमने स्टडी नहीं करी, लापरवाही दिखा दी, फिर अचानक से कोई वीडियो वॉच कर लिया या मुझे पढ़ना चाहिए ख्याल आया, सुबह उठे 3-4 घंटे पढ़ा, उसके बाद 5-6 दिन तक आप ठप पड़ गए। तो प्लीज ऐसी स्टडी नहीं होती, प्रॉपर प्लानिंग करिए। जॉब करते हैं, जॉब के साथ में भी स्टडी हो सकती है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि जॉब के साथ में भी कई लोगों का सिलेक्शन होता होगा। आप स्पेशल तो नहीं है कि केवल आप ही जॉब करते हैं, रात को आके वो लोग भी स्टडी करते होंगे, नाइट में उन्होंने भी 4-5 घंटे की कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी होगी, तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कुछ करना। ठीक है, कुछ करने की भी कीमत चुकानी पड़ती है और कुछ ना करने की भी, फैसला अब आपका है कि आपको कीमत कब चुकानी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, लाइक करने में प्लीज कंजूसी मत करिएगा, और एक चीज में कंजूसी और नहीं करनी, अपने नोट्स बनाने में पेन डाउन करिए, हर एक क्वेश्चन को नोट्स बनाइए, अपने नोट्स अपने तक ही सीमित रखिएगा। ठीक है, सही समय आने पर उसको रिवाइज करिए, एग्जाम से 4-5 दिन पहले या कम से कम 15 डेज पहले जितना भी आपने नोट करा है सही समय पर उसको रिवाइज करिए। और जो भी आपके फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको प्लीज ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। आप ये हेल्प का सिलसिला प्लीज फिनिश मत करना, खत्म मत करना। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो इस चैनल की भी आप प्लीज छोटी सी हेल्प करिए कि अपने टॉप में जो शेयर का ऑप्शन आ रहा है, शेयर का जो आपको एक आइकन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करिए, और व्हाट्सएप के थ्रू ये वीडियो अपने किसी फ्रेंड को शेयर कर दीजिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, प्लीज उसको करिएगा। ठीक है, उसे मत करिएगा कि कोई आपका फ्रेंड सीए कर रहा है या कोई फ्रेंड आपका एमबीबीएस कर रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो यूजफुल नहीं है, ये वीडियो यूजफुल है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। मुझे कमेंट में अपनी राय प्लीज लिखना मत भूलिएगा, आपकी राय मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है, मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है। चलिए, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।